हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण का हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि वायु प्रदूषण होता क्या है क्यों क्यों होता है क्या क्या वजह है क्या क्या उसके प्रदूषक हैं इस तरह के जो भी टॉपिक हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं धुआं 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 धुआ, इसी से आपको अंदाजा लग जाता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है तो चलिए वायु प्रदूषण पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये आपका एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में एनवायरमेंटल स्टडीज ई जिसको आप बोलते हैं एच डिप्लोमा कोर्स के फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है ये सभी ब्रांचेज का सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर टू जो है वो है एयर पोल्यूशन तो चलिए हम चैप्टर नंबर टू का इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन टॉपिक इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि है क्या ये चीज़ तो इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं डिस्कस तो ये दिमाग में आता है कि वट इज़ एयर पोल्यूशन क्या है वायु प्रदूषण तो वायु प्रदूषण को अगर हम डिफाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड एज इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज द एडिशन और प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स या तो आप ऐड कर रहे हो या ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या अनवांटेड पार्टिकल जो पार्टिकल आपको चाहिए ही नहीं जो आपके लिए यूजफुल है ही नहीं जैसे डस्ट हो गया स्मोक हो गया धुआं ओडर हो गया आपका फ्यूम्स मिस्ट पॉइजनस गैसेज एक्सेट्रा इन टू द एयर विच कॉजिज एन इल और यू कैन से एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट का मतलब उल्टा प्रभाव गलत प्रभाव ऑन ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स प्लांट्स बिल्डिंग एटसेट्रा तो वायु प्रदूषण को आप ओवरऑल कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये उन पार्टिकल्स का अनचाहे पार्टिकल्स का एयर में मिलना ही एयर पोल्यूशन कहलाता है जो कि ह्यूमन बीइंग पर एनिमल्स पर प्लांट और बिल्डिंग्स पर गलत प्रभाव डालता है ये देखिए ये धूल यहाँ पर दिखाई गई है धुआं दिखाई गई है टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस गैसेज यहाँ पर दिया गया है तो इस तरह के जो सारे पार्टिकल्स हैं जो आपके लिए सही नहीं है जो ह्यूमन बींग के लिए सही नहीं है जिन पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी में सांस लेना मुश्किल होता है या बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर उप, भी जो बुरा प्रभाव डालते हैं इन सभी चीजों को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स तो पोल्यूटेंट्स एक ऐसा वर्ड है जो एयर में मिलकर एयर को पोल्यूट कर देता है एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है तो हम पोल्यूटेंट्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज पोल्यूटेंट्स पोल्यूटेंट को अगर डिफाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट विच एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ अदर लिविंग थिंग्स लाइफ स्टाइल एंड ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बिल्डिंग सो वो सारे सब्सटेंसेस जो हवा में प्रेजेंट होकर ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है या जो दूसरी लिविंग थिंग्स हैं उनकी ग्रोथ रेट उनकी बर्थ रेट को अफेक्ट करता है या फूड चेन को ही चेंज कर देता है इस तरह उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज कर देता है और साथ के साथ जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी गलत इफ़ेक्ट डालते हैं तो ये सब सब्सटेंसेस जो हवा में प्रेजेंट होते हैं और ये सब गलत इफेक्ट डालते हैं इन सभी को हम पोल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं अब अगर पोल्यूटेंट को आप क्लासीफाई करें तो पोल्यूटेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं आप फर्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स या फिर आप इनको बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं तो ये दो क्राइटेरिया हो गए आपके पास इन पोल्यूटेंट्स को क्लासिफाई करने के आइदर ऑन द बेसिस जो प्राइमरी और सेकेंडरी और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स अब देखिए ये जो टेबल यहाँ पर दिखाई गई है इसमें हमने मेन मेन जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं ऐसे सारे सबस्टेंसेज को हमने कवर करने की कोशिश की गई है ये टेबल हमने ई की वेबसाइट से ली है तो हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहला है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डस्ट तो डस्ट एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है और इसमें इसके क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स है कि ये सोलिड पार्टिकल्स में आपको मिलते हैं सेकेंड है लेड लेड को पी बी कहते हैं इसका जो एलिमेंट का फॉर्मूला है वो पी बी है ये भी एक प्राइमरी ही पोल्यूटेंट है ये भी सोलिड पार्टिकल्स में आता है जनरली लेड केस में हम डिजोल करते हैं ये जो व्हीकल आपके होते हैं उनके पेट्रोल में मिलाया जाता है कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बर्ड्स के लेकिन जब ये स्मोक के साथ बाहर आता है ना एनवायरमेंट में जब ये आ जाता है तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग क्योंकि बड़ा पॉइजनस हो साथ के साथ जो थर्ड पोल्यूटेंट है वो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जिसको एच टू एस ओ फोर लिखा हुआ है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है तो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट वो है जो डायरेक्टली आपकी एयर में मिलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो है जो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से ही बन जाते हैं जिन की फॉर्मेशन प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही बनती है बट किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बेसिकली सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिला देते हैं जैसे बारिश के टाइम में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और आपकी लाइटनिंग वगैरह होती है या बारिश के टाइम में वाटर के साथ रिएक्शन करके ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कहाँ से आया आपका प्राइमरी जो आपका पोल्यूटेंट था उससे ही ये बना है इसलिए इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कह दिया गया Same, है नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेम यह भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है ये डायरेक्ट जो फैक्ट्रीज का धुआं वगैरह होता है उससे डायरेक्ट निकल कर एनवायरमेंट भी मिलता है यह एक रेडिस ब्राउन गैस है नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड तो यह भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं यहाँ पर इनके कैरेक्ट्रिस्टिक्स दिए गए हैं कि ये सब कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस हैं हाइड्रोकार्बन्स में अगर देखें तो मीथेन एंड बेंजीन ये दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये इनकी कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं ओजोन ओजोन इज ओजो पोल्युटेंट जिसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये माना गया है सेम इसी तरह जो टॉक्सिक गैसेज हैं जो पॉइजनस गैसेज हैं उनमें क्लोरीन क्लोरीन एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है तो ये पूरी टेबल बेसिकली इसमें पोल्यूटेंट्स यहाँ डिस्कस किए हैं कि उनकी कंपोजिशन क्या है वो किस टाइप के हैं प्राइमरी हैं या सेकेंडरी है और उनकी कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक्स दी गई हैं अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके कोजिज कि एयर पोल्यूशन किन वजह से होता है या यू कैन सी सोर्सिस ऑफ एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण के कारण की अगर हम बात करें तो बेसिकली चार टाइप के हैं जो इसके सोर्सेज हैं फर्स्ट इज़ मोबाइल सोर्सेज मोबाइल का मतलब जो कि मूविंग सोर्सेज हैं जैसे कार हो गई बसेज हो गई या आपकी प्लेन्स हो गई या आपके ट्रक ट्रेन्स जितने भी व्हीकल्स हैं ये सब मोबाइल सोर्सेज में कवर किए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं इसमें जो गैसेज एग्जिट होती हैं वो कार्बन मोनोक्साइड और एनओ टू गैसेज उनकी स्मोक में निकलती है जो कि एक पोल्यूटेंट है जो मैं पीछे टेबल में देखा साथ के साथ इन में जो मेन पोल्यूटेंट है वो है लेड जो पेट्रोल में डिजोल्व करते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंजन की और वो जब स्मोक में आता है तो बड़ा पॉइजनस होता थर्ड इज़ एरोसोल्स जिसमें क्लोरोफ्लोरोबन बेसिकली होते हैं सेकंड इज स्टेशनरी सोर्सेज इसमें कौन से सोर्सेज आ गए पावर प्लांट्स आ गए जहाँ पर बिजली बनती है मेनली जो आपके थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पर कोल या कोयले को जलाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ऑयल रिफाइनरीज हो गए इंडस्ट्रीज़ हो गई वेरियस इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ और जो फैक्ट्रीज आप डिस्कस कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें जो स्टेशनरी सोर्स हैं जो एक जगह बना दिए गए उनसे जो एयर पोल्यूशन होता है वो इसमें हम पूरा कंसिडर करते हैं दीज ऑल आर अनदर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन थर्ड वन इज एरिया सोर्सेज एरिया सोर्सेज मीन्स एरिया स्पेसिफिक जैसे एग्रीकल्चरल एरिया सिटीज़ हैं वुड बर्निंग है फायर हैं एग्रीकल्चर एरियाज में क्या है आपका डंग है एनिमल्स हैं वहाँ से लोट ऑफ मीथेन, मीथेन जो आपकी गैस है वो निकलती है दैट इज़ ए पोल्यूटेंट जो एयर को पोल्यूट करती है सो so, उस तरह से या फिर कहीं पर लकड़ियों को जलाया जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन तो ये सारी चीजें एरिया सोर्सेज में आप कवर करेंगे एंड फोर्थ वन इज नेचुरल सोर्सेज सच एज विंड ब्लोन डस्ट आपका तूफान आ गया जिसमें रेत का तूफान जिसको बोलते हैं वो क्या करेगा वो पूरी एयर को एनवायरमेंट को खराब कर देगा उसमें एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा मिट्टी मिट्टी हो जाएगी पूरी हवा में सेकंड वाइल्ड फायर वाइल्ड फायर मतलब कोई फॉरेस्ट है उसमें अपने आप आग लग गई उसमें किसी ने लगाई नहीं वो अपने आप लगी है सो दैट इज ए नेचुरल सोर्स और इसके अलावा वोकनोज वोल्कनोज मीन्स जो आपके ज्वालामुखी फटते हैं जब तो कोई ज्वालामुखी फटता है उसमें से बहुत सा धुआं निकलता है जो पूरे इन्वायरमेंट में फैलकर एयर को पोल्यूट कर देता है तो इस टाइप से हम चार जो बेसिक सोर्स हैं वो हमने डिस्कस किए इनके अलावा बी एक सोर्स है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स इसमें क्या आते हैं कि, कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं और उस कंपाउंड की वजह से जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल कि जो एयर में पॉइजनस गैसेज अवेलेबल हैं वो वाटर के साथ जब मिलती हैं तो छोटे छोटे जो मॉइस्चर जिसको बोलते हैं हम स्मोग फोटोकेमिकल स्मोग में कन्वर्ट हो जाता है जैसा आपने देखा होगा कि इन दिनों जब पराली जलाई जाती है या और कोई धुआं की वजह से और एनवायरनमेंट में थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर्स होते हैं तो पूरा दिल्ली गुड़गांव वगैरह एरिया में आपने देखा है कि, कि कितना पोल्यूशन फैल जाता है वो इसी वजह से होता है कि वो जो है पॉइजनस गैसेज वो वाटर वेपर्स के साथ केमिकल रिएक्शन करके और एक अलग से ही फोग या यू कैन से स्मोग स्मोग मीन्स स्मोक प्लस फोग स्मोक प्लस फोग को मिलाकर ये स्मोक जो वर्ड है ये बना है तो ये भी सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है इसकी वजह से तो इसको भी एक मेजर एयर पोल्यूटेंट के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं अगर इन सारे सोर्सेज को एक पिक्चराइजेशन हम करें तो पिक्चर के फॉर्म में हम ऐसे कर सकते हैं कि ये आपके नेचुरल सोर्सेज हो गए जिसमें लाइटनिंग की वजह से या और किसी वजह से जो आपके प्राइमरी सोर्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं साथ के साथ वॉल्कनोरप्शनस हो गए वाइल्ड फायर फॉरेस्ट वुड बर्निंग हो गया तो ये सारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं जो कि पोल्यूटेंट्स एमिट करते हैं यहाँ से पोल्यूटेंट्स जनरली हवा में मिलते हैं दूसरा एरिया वाइज एरिया वाइज ये देखिए आपका लाइव स्टॉक है ये पूरा एनिमल्स है यहाँ पर या फर्टिलाइजर्स की वजह से या सिटीज़ हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होता है वो सारा एरिया वाइज में हम कंसिडर कर लेते हैं थर्ड इज़ स्टेशनरी स्टेशनरी मीन्स जो बिल्डिंग वगैरह हैं आपके थर्मल पावर प्लांट टीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जहाँ से, से बहुत गंदी स्मेल निकलती रहती है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब स्टेशनरी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में काउंट करेंगे आप एंड दिस इज द लास्ट मोबाइल सोर्सिस जैसे हमने बताया था कि जितने भी व्हीकल वगैरह हैं बसेज हैं या एरोप्लेन हैं इन सभी को हम मोबाइल सोर्स फॉर एयर पोल्यूशन जो एयर को पोल्यूट करते हैं जिन जो पोल्यूटेंट्स को एमिट करते हैं जहां से धुआं निकलता है जिसकी वजह से हमारी हवा खराब होती है और एट लास्ट हमारा पूरा जो एयर है वो पोल्यूट हो जाता है तो ये सारा बेसिकली एक पूरा पिक्चराइजेशन है जिसमें एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को हमने जो अभी पीछे डिस्कस किया है वो दिखाया गया है।